बाकी मरीज अचानक चौंक गए जब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एम्बुलेंस से कोरोना पेशेंट्स आने लगे। कुछ डरे हुए, कुछ चौंके और बाकी जल्दी से इधर उधर हटने लगे। इधर डॉक्टरों की टीम कोविड मरीजों की तत्काल जांच करने लगी। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए मरीज का इलाज शुरू हो गया। कोविड के कई लक्षणों वाले पेशेंट्स का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाने लगा। कुछ देर बाद समझ में आया कि कोरोना के बढ़ते केस के बीच IGIMS में कोविड प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट का ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। दरअसल आज सरकार द्वारा मॉक ड्रिल की व्यवस्था रखी गई थी। इसमें 9:30 बजे मॉक ड्रिल शुरू किया। इसमें ये देखा जाता है कि मरीज को रिसीव कैसे किया जाता है, उनका इलाज कैसे किया जाता है। मरीज को भर्ती करने के बाद सबसे पहले जांच की जाती है। इसमें हार्ट, लंग्स और ऑक्सीजन लेवल की जांच की जा रही है। इसके अनुसार नॉर्मल बेड और ICU बेड में जाने की स्थिति तय हो जाती है। इसमें एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। यही सब मॉक ड्रिल में होता है। कोरोना से निपटने को लेकर तैयारी की जांच की जाती है ताकि आपात स्थिति में कोरोना से निपटा जा सके। IGIMS में फिलहाल 3 बेड का आइसोलेशन ICU रखा गया है, 10 बेड का ट्रायल रखा गया है। जरूरत को देखते हुए इसको बढ़ाया जाएगा। बता दें कि नए वेरिएंट गले तक ही सीमित है। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें गले में खराश, खांसी, बुखार होता है। हाँ, खांसी 1 माह तक परेशान कर सकती है। सूखी खांसी से लोग परेशान होते हैं। इसमें एंटीबायोटिक दवा का कोई रोल नहीं है। बहुत लोग एजिथ्रल दवा लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गर्म पानी का भाप इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप जब भी बाहर से आते हैं तो गर्म पानी भाप जरूर लें और गुनगुना पानी जरूर पिएं। इससे संक्रमण कंट्रोल होता है। इसके बावजूद अगर लगता है कि आपको संक्रमण है तो फौरन कोविड टेस्ट करवाएं, ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।